जिला पुलिस ने भूत प्रेत का डर दिखाकर घर की लड़कियों के साथ दुराचार करने वाले दिल्ली के ढोंगी तांत्रिक बाबा को गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त कर ली है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विकास सांगवान ने मामले का खुलासा करते हुए मीडिया को बताया कि आदर्श नगर थाना अंतर्गत रहने वाली 22 वर्षीय पीड़िता ने होली वाले दिन थाने पर पहुंचकर अपनी पीड़ा वहां मौजूद महिला कांस्टेबल को सुनाई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने दिल्ली से आए ढोंगी तांत्रिक राजेंद्र कुमार वाल्मीकि को गिरफ्तार कर जब उससे पूछताछ की तो कई बड़े खुलासे हुए। उन्होंने बताया कि ढोंगी तांत्रिक बाबा दिल्ली के गुलाब बाग का रहने वाला है, जो भोले भाले लोगों को भूत प्रेत और ऊपरी हवाओं का डर दिखाकर अपने बस में कर लेता था और उसके घर बाद शुरू होता था उसकी हवस का खेल, जो घर की जवान लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। प्रारंभिक पूछताछ में ऐसे कई मामले उजागर हुए हैं जो इस ढोंगी बाबा ने अंजाम दिए थे। फिलहाल ढोंगी बाबा से इंट्रोगेशन जारी है, जिसके बाद भी कई खुलासे हो पाएंगे। पूरे मामले की विस्तृत जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी विकास सांगवान ने बताया। देखिए 19 तारीख की घटना है ये। एक लड़की थाने पे भागती हुई पहुंची, जिसने एक महिला कांस्टेबल थी वहाँ थाने पे मौजूद, उसके साथ अपनी पूरी घटना शेयर करी, जिस घटना में उसने बताया कि एक ढोंगी तांत्रिक उसके ऊपर कुछ जादू कर रहा है और जिस वजह से वो उसके साथ कई बार रेप की घटनाएं कारित कर चुका है। ये ढोंगी तांत्रिक बेसिकली लोगों के परिजनों से उनके घर की समस्याओं के बारे में जान लेता है और वो समस्याओं के बारे में जानकर उसके बाद उन लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेके उनको इस तरह से अपने वश में लेता है और कहता है कि आपके घर में भूतों का कोई प्रकोप है। भूतों के प्रकोप को निकालने के लिए वो घर के जो कमज़ोर कड़ी हैं, जैसे कि छोटे बच्चे हैं, उनको ऊपर किसी का प्रकोप बताकर कि इनकी मृत्यु हो जाएगी और धीरे धीरे परिवार के सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे, उस तरह से भयभीत कर लोग इसकी झांसे में आ जाते हैं और वो सब करने को तैयार हो जाते हैं जो ये कहता है। जनरली ये क्या करता है कि घर में जो जवान लड़कियाँ हैं उनको बुरी आत्माओं का घर में साया बताकर बुरी आत्माओं को बुरे तरीके से निकालने के लिए लोगों को कहता है, जिसके क्योंकि मौत का खौफ सबको होता है, उसी के खौफ के डर से लोग इसकी बातों में आ जाते हैं और इसको जो भी बाबा कहता है वो मानते जाते हैं। ऐसी ही घटना इस लड़की के साथ हुई। इसके परिजनों को एक बाबा दिल्ली में एक शादी के दौरान मिले, जहाँ पर उन्होंने, क्योंकि इस लड़की के जो पिता हैं उसके मामा जी वहाँ दिल्ली के रहने वाले हैं, वो इनके परिवार की समस्याओं के बारे में जानते थे और वो बाबा से शेयर कर चुके थे, लेकिन बाबा ने जब वो घटनाओं का विवरण लड़की को और उसके घरवालों को बताया तो वो बाबा की जानकारी से हैरान रह गए और उसके ऊपर विश्वास करने लगे। उसी का फ़ायदा उठाकर बाबा ने 2-3 बार अवसर पर ऐसा हुआ कि वो अजमेर आए और उन्होंने घर के ऊपरी तल पर लड़की को, जो घर में जवान लड़की थी, उसको इस बहाने परिवार वालों से अलग किया कि घर में जो बुरी आत्मा है वो उसकी साया इसके ऊपर है अभी और उसको निकालने के लिए मुझे इसको साथ लेके जाना पड़ेगा। उसी के बहाने उसके साथ ये बलात्कार करता, क्योंकि जब बलात्कार होता है उसके साथ ज़बरदस्ती हो रही थी तो घर में आवाज़ भी होती, तो उसको इस तरीके से कवर करता कि बुरी आत्माओं का साया है तो वो उसी तरीके से निकलेगा और इसके चोट भी आएंगी। लेकिन इस लड़की ने बहादुरी का परिचय देते हुए होली से पहले भी, होली के आसपास 19 तारीख को जब वो फिर से बाबा घर आया हुआ था, तो ये पुलिस थाने पहुंची, इसने हिम्मत दिखाई, जो पूरा घरवाले जो इसके झांसे में आ चुके थे उससे पीछा छुड़ाकर वो पहुंची थाने पे और उसने पूरा विवरण लेडी कांस्टेबल के सामने किया। उस मैटर को संज्ञान लेते हुए तुरंत FIR रजिस्टर करी और जो ढोंगी बाबा था उसको दस्तयाब किया गया। बाद में जब इससे पूछताछ करी गई, जब पुलिस मौके पर पहुंची, तो इसने पुलिस को भी किसी तरीके से अपने काबू में लाने की कोशिश करने की कोशिश करी, लेकिन पुलिस ने इसको अपनी मनोवैज्ञानिक तरीकों से पूछताछ करी और बाकी भी अपने तरीकों से पूछताछ करी तो पता लगा कि ये पूरी पूर्ण रूप से ढोंग है। इसको थाने पे लेके आए और जब इससे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन हुई, स्टार्ट हुई, पूछताछ हुई, तो उसमें सामने आया कि ये कई बार इसके साथ भी और भी कई लड़कियों के साथ ऐसे कृत्य कर चुका है। क्या नाम है?
जो मुलजिम है इसमें ये राजेंद्र वाल्मीकि है, ये गुलाबी बाग दिल्ली का रहने वाला है।